Assalamualaikum दोस्तों, तो नया दिन नया ब्लॉग और हम फिर से वन प्लस 70 पे शूट कर रहे हैं जो 8128 वाला है। सुपर स्टेबिलिटी पे कर रखा है क्योंकि सुपर स्टेबिलिटी ही शायद इस वीडियो को सही बना सकती, बाकी नहीं बन सकता क्योंकि वो हिलता ढुलता रहेगा ऐसा है। तो ये भी मोबाइल आज फॉर सेल है, बट इसका सुपर स्टेबिलिटी और वन प्लस 8 प्रो का स्टेबिलिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क मुझे अभी लग रहा है, क्योंकि वन प्लस 8 प्रो में जो करता हूँ मैं तो जो नॉर्मल स्पीड जो एलिमेंट की है ऑब्जेक्ट की रहती है वो बताता है, बट यहाँ पर बहुत स्लो हो रहा है ये सब चीज़ें। कोई इशू नहीं है, देखो अपने तो सब कुछ करते हैं, रिव्यू करते हैं, मोटिवेशनल करते सब करते हैं। और आज सूरज देखो दिख रहा है, हाय हाय, कभी हम में तुम में बिचाह थी, कभी हम में तुम में था आशना, तुझे पता है वो कि ना पता। देखो मेरे को आता नहीं पर अपने ट्राई करते रहते। देखो सिंगर ऐसा ही नहीं बनता, कोई गाते गाते सड़ेले सुर लगाते लगाते बन जाता ऐसा कोशिश करते करते, तो कोई बात नहीं। तो आज देखो टॉपिक कोई सिलेक्शन की नहीं हमने, टॉपिक का सिलेक्शंस मैं टॉपिक मुझे कल मिला था। देखो मैं टॉपिक कहाँ से पिकअप करता हूँ, सबसे पहले मेरे कॉन्सेप्ट समझो, मैं टॉपिक कहाँ से छीनता हूँ या पकड़ता हूँ या कलेक्ट करता हूँ। अब होता है क्या कि टॉपिक हम लोग कहाँ कहाँ से लाते, अलग अलग जगह से लाते टॉपिक। तो अलग अलग जगह से टॉपिक लाना मतलब ऐसा कि ये देख लो हमारी वापस से आसलाम मदर ऑफ आ गई है, तो ये सब आते रहते तो कोई इशू नहीं है। तो बना तो ये हमेशा की तरह आज भी यही है, इसका नाम क्रियाक्रम करेंगे, कभी नाम रखेंगे तो कोई बात नहीं। सब अपनी जगह है और हम भी अपने जगह रोज के लिए हसल के लिए हैं। और आज तारीख है 3 सितंबर, सुबह की बज गई 7। तो बात चल रही थी हम टॉपिक कहाँ से पकड़ते थे, टॉपिक हम लोग लाते हैं डेली इंसिडेंट से। अब क्या है, कल इंसिडेंट अकर हुआ है कि मैं जुमे की नमाज़ के लिए मस्जिद में था, कौन सी मस्जिद में था क्या था वो सब नहीं बताऊँगा, बट वहाँ पर एक चीज़ मैंने देखी, वहाँ पर मुफ्ती साहब बयान कर रहे थे और उनके अब्बा भी वहाँ पर बैठे थे, उनके अब्बा हाफिज़ है, सब लोग जानते हैं ये कॉम्बिनेशन, वापी वाले पहचान जाएंगे कि कौन मुफ्ती है और उनके अब्बा हाफिज़ कौन है। तो वहाँ पर मैं बैठा था, बयान सुन रहा था जुम्मा का, मुफ्ती साहब बयान कर रहे थे। तो बयान तो वैसा हो रही थी कि इंडिया को नशा मुक्त कैसे बनाया जाए, मतलब नशा मुक्त यानी बीड़ी तंबाकू चरस गांजा ये सब जो फूकने वाले लोग हैं उनको कैसा बंद कराया जाए। हाँ, तो इस सिलसिले में कोई प्रोग्राम भी है, वो तारीख शायद है कि 10 सितंबर है पता नहीं, पर गोदान नगर में घाची समाज के हॉल में है वो, भरत भाई कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये था वहाँ पर, बट जो कहने का मेन मकसद क्या है वो मैं आपको बता दूँ। कहने का मेन मकसद ये है कि जब मैं वहाँ पर हजरत बयान कर रहे थे, मुफ्ती साहब बयान कर रहे थे, तो मैंने देखा कि मैंने ये देखा कि जो हाफिज़ साहब है, जो उनके अब्बा है, वो वाक़यात सुन के ज़रा मुतासिर हो रहे थे, उनका फेस का एक्सप्रेशन थोड़ा कैसा हो रहा था कि नहीं ऐसा, मतलब जो क्राइंग जैसा, मतलब रोने जैसी शक्ल उनकी हो रही थी, है ना। पर मैंने देख के ये इबरत हासिल करी है कि बाप ने कैसी उसकी तरबियत करी होगी मुफ्ती साहब की, कि आज बाप उनके बयान सुन के है ना उनको रोना आ रहा है ना, वो कैसा ही क्या ही फीलिंग होगी कि ओ हो ऐसा अल्लाह हमें भी बना देता, काश अल्लाह ए अल्लाह हमें भी हमारे अब्बा देख के खुश हो जाते कि नहीं ये मेरा बच्चा है, मेरा नाम रोशन कर रहा है, नहीं ये अल्लाह के रास्ते में सब कुछ कर रहा है, नहीं ये लोगों को अच्छी बातों का हुक्म कर रहा है, बुरी बातों से रोक रहा है ना। तो वही मैंने देखा कल कि लोग हाफिज़ साहब जो थे, जो उनके अब्बा थे, वो देख के रोने जैसी शक्ल हो गई थी। ऐसे ऐसे किस्सा उन्होंने बताया और रिहैबिलिटाइजेशन के बारे में और ये सब तंबाकू बीड़ी कैसे छोड़े और क्या करें और क्या नहीं करें उसके बारे में बात चल रही थी। तो जो बात हो रही थी, हाँ, तो एक्चुअली कैसा मैं स्टक क्यों हो जाता हूँ कि आजू बाजू भी देखना पड़ता है क्या चल रहा है, सिर्फ अगर मैं वीडियो बनाने की धूम में लगा रहूँगा तो कोई मेरे को ठोक के चला जाएगा ऐसा है।
तो कोई बात नहीं, मैं देख रहा हूँ आजू बाजू में क्या चल रहा है और कौन मेरे को नोटिस कर रहा है चलते चलते कि ये क्या कर रहा है। पीछे एक आदमी अभी मेरे को देख के हंस रहा था। तो कोई बात नहीं, दीवाने अलग ही होते हैं, ऐसा पकड़ के चलो। तो हाँ, कहने का मतलब ये था कि अब जहाँ पर टॉपिक था वापस वहीं पर आया जाए। टॉपिक ये चल रहा था कि मुफ्ती साहब बयान कर रहे थे और हाफिज़ साहब जो उनके अब्बा है वो उनकी रोने जैसी शक्ल हो गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि वो मुझे, मैं मेरे हिसाब से कह रहा हूँ, उनके दिल में क्या चल रहा था कि वो किससे से मुतासिर हुए हैं या उनके बच्चे को देखकर वो मतलब ये खुशी के आंसू होते हैं कोई कोई लोगों के, कि वो खुशी के आंसू हो गए मेरे हिसाब से, है ना। खुशी के आंसू आप उसको घोषित कर सकते हो। तो आगे रोड क्रॉसिंग चालू है तो देखकर क्रॉसिंग करना पड़ेगा। हाँ, तो अपने वो खुशी के आंसू कहते हैं ना, तो खुशी के आंसू हो गए उनके शायद, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है कि वो जो शायद है उनकी खुशी के आंसू हो गए, है ना, कि वो देख रहे कि मेरा बेटा लोगों को अच्छी बातों का हुक्म कर रहा है ना, कि भाई तंबाकू बीड़ी छोड़ो और नशा मुक्त हो, पूरे इंडिया को नशा मुक्त कैसे करें, और बुरी बातों से रोक रहा है कि भाई ये रुको, ये सब चीज़ें बुरी है ना, अल्लाह के नज़दीक कितनी बुरी है और लोगों को क्या नुकसान होता है और क्या नहीं होता है। तो वो मुफ्ती साहब सारी चीज़ें बता रहे थे और वहाँ पर हाफिज़ साहब को मैं रोता हुआ देख रहा था। मतलब देखा मैंने वो क्राइंग फेस कैसा हो जाता है, कि छोटा बच्चा कैसा होता है मम्मी ऐसा। तो कोई बात नहीं, वैसा उनका शक्ल हो गई थी, मैं देख रहा था वहाँ पर बैठे बैठे। तो बस मुझे वो लगा कि बेटा बयान कर रहा है और बाप सुन के उसको दिलों में चैन आ रहा होगा कि मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, ये देखो ये मेरा बेटा है और ये लोगों को अच्छी बातें करूँ। तो देखो बाप और बेटे की कॉम्बिनेशंस है ना कैसी होनी चाहिए, कि आज के बेटे हम जो है ना, कि हम कैसे बने, कि ऐसे बने कि हम माँ बाप की आँखों की ठंडक बने, हमें हमारे माँ बाप देखे तो हमें है ना उनको हम उनकी आँखों को चैन सुकून मिले, उनको इत्मीनान मिले, है ना, उनको ऐसा रंज और गम नहीं हो कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, हाँ मेरा बेटा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उनको आपकी उनको आपकी चिंता ना हो, है ना, आप उनकी चिंता करो कि मेरे अब्बा यार अभी बुढ़ापा है इनका, तो अब ये इनको मैं कैसे सही से रखूँ, कैसे इन्होंने जब मेरा ख्याल करा था वैसे मैं करूं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हाँ, तो ये सब चीज़ें है, देखो बाप और बेटे की कॉम्बिनेशन कैसे है ना, कि बाप है ना अपने बेटे के लिए दोस्त जैसा हो, है ना, ऐसा जालिम ना हो कि भाई नहीं खड़ा रह के, नहीं कभी कभी तंबी करना ज़रूरी, मतलब उनको बाप अगर बेटा को डांट रहा है तो कोई वो बड़ा इशू नहीं है, आप डांटो, बट इतना भी आप थानेदार नहीं बन जाओ कि आप वो पुलिस चौकी के इंस्पेक्टर नहीं बन जाओगे कि इधर था क्या था ऐसा वैसा ये वो, नहीं। हाँ, कोई कोई वक्त पे तंबी करना बहुत अच्छी बात है, बट रेगुलरली तंबी करोगे तो भाई बात बिगड़ जाएगी, ऐसा है तो है ना। तो कह रहा था मैं कि आप आपके माँ बाप के लिए आँखों की ठंडक बनो, है ना, उनके लिए कुछ करो, है ना, सबसे पहले आप अपने लिए करो, आप अपने लिए करोगे ना तो वो खुश हो गए कि भाई नहीं मेरा बेटा प्रोग्रेस हो रहा है, नहीं मेरा बेटा कुछ कर रहा है, फिर खुद की तरक्की, फिर आप देश के लिए करोगे तो मेक देम प्राउड, है ना, उनको लगना चाहिए कि मेरा बेटे ने कुछ किया, मेरे बेटे ने कुछ उखाड़ा, ऐसा बोलते ना उखाड़ा, क्या उखाड़ा, तो ऐसा लगना चाहिए कि कुछ मेरे बेटे ने उखाड़ा, ऐसा समझ लिए। तो वो मुफ्ती साहब और हाफिज़ साहब की जो बात चल रही थी कि मुफ्ती उनका बेटा, हाफिज़ साहब का बेटा है ना, हाफिज़ साहब उनके अब्बा है, ऐसा है। तो बात जो चल रही थी उनके बारे में ही चल रही थी कि है ना कैसा दिल का सुकून उनको मिला होगा कि मेरा बेटा, तो वो बात है ना। तो आज के टाइम पे हमें भी कुछ ऐसा करना है हमारे माँ बाप के लिए कि उनको हम आँखों की ठंडक बने, उनके लिए हम वो ऐसा सोचने का सबक नहीं बने कि भाई मेरा बेटा अभी तक कुछ हुआ नहीं है, कुछ किया नहीं है, तो बिगड़ रहा है, वो दारू सिगरेट गुटखा पी रहा है, एज इट इज़ जो भी हो, है ना, बट हम अच्छे बन के उनको दिखाएं, हम बताएं कि हमारे कैरेक्टर कैसे, हम बताएं कि हम
हम दुनिया में कुछ कर सकते हैं ना, हमारी तरक्की से ज़्यादा कोई खुश नहीं होगा, है ना। लोग कहते हैं कि जितना बाप बेटे की तरक्की से खुश होता है उतना कोई भी खुश नहीं होता, ऐसा है। तो कहने का मतलब यही है कि हम कुछ उखाड़ दें, मतलब ऐसे खड्डे वड्डे नहीं कर दें, इनको पैक भी कर दें अपने खड्डे करने के बाद। ये क्या है कि खड्डे हो जाते उसके बाद पैकिंग नहीं होती, देख सकते हो अग्नि बेकरी के यहाँ पर खड्डा है पर पैकिंग नहीं हो रही है। शायद से काम चालू होगा बट कब तक काम चालू होगा और कब ख़त्म होगा क्या पता। हाँ कोई बात नहीं, काम चालू है इसलिए खड्डा है, उसकी पैकिंग हो जाएगी जल्दी जब काम हो जाएगा। हाँ तो ठीक है, तो हम कहाँ चल रहे थे, हम चल रहे थे वहीं कि भाई हम जो है हमारे माँ बाप के लिए आँखों की ठंडक बने। अब आँखों की ठंडक कैसे बननी मैंने बता दी है ना, हम कुछ इस दुनिया में कर लें, फाइनल दुनिया में कर लें, और हम उनके लिए आखिरत का सबब भी बने, है ना, कि जब वो मर जावे या उनका इंतकाल हो जाए तो हम उनके लिए दुआ करें। क्या दुआ करेंगे कि भाई अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने सिखाया कि अल्लाह ने खुद ने कुरान में फरमाया कि ऐसी दुआ करो अपने माँ बाप के लिए। मैं मफहूम बता रहा हूँ, देखो ये सारी चीज़ें जो मैं इस्लाम के बारे में बताता हूँ, आई एम नॉट परफेक्ट, मैं कोई परफेक्ट बातें नहीं करता बट उसके आसपास करता हूँ, बट मेरे हिसाब से मैं थोड़ी थोड़ी सही कर देता हूँ, ऐसा है। तो अल्लाह के नबी ने तरगीब दी कि तुम अपने माँ बाप के लिए दुआ मांगो, जिसका मफहूम है कि अल्लाह जैसे उन्होंने मेरे बचपन में रहम किया था ऐ अल्लाह अब तो उन पर रहम फरमा, है ना, उनके लिए मगफिरत की दुआ करनी है और उनके साथ अच्छा सलूक करना है, है ना। वो हम जैसे घर पे एंट्री हो तो वो खुश हो, है ना। अब समझ लो कि मेरी बच्ची है, जब मैं घर पे एंटर होता हूँ तो मेरी बच्ची मेरे पास वो चारों में गोडा लिया, जिसको बोलते हैं ना कि भाई ये हाथ और पैर से वो चलती है, छोटी 6-7-8 महीने की बच्ची कैसे चलती, तो भाग के आती है और अल्हम्दुलिल्लाह, हाय हाय हाय, ये चैन है, ये सुकून है, ये ज़िंदगी का एक अजीब सा मंजर है। जब आदमी बाप बन जाता है तो कुछ और हो जाता है, और जब कुछ और हो जाता है तो कुछ और हो जाता है। तो कोई बात नहीं, आती है बच्ची और मेरी बच्ची है वो आती और खुद ही अल्लाह तवक्कल वो मेरे पैर पे उसका सर रखती है ना। तो अल्लाह ने देखो हाय, और वो उसकी माँ के पैरों पे भी जब उसकी माँ खाना बनाती है तो वो उसकी माँ के पास भी जाके उसका सर उसकी माँ के पैरों पे रख देती। तो ये ऐसा एक फीलिंग अजीब हो जाती है जब बच्चे ऐसा कुछ करते हैं माँ बाप के लिए। हाँ तो हमें भी कुछ हमारे माँ बाप के लिए जब हम बड़े हो जाएं, देखो छोटे बच्चे तो वो माँ बाप से लगाव तो रखते ही हैं बट अब हम बड़े हो गए, 20-25-30-40-50 साल के हो गए, हमारे बाप हो गए 40-50-60-70-80 साल के हो गए, बट आज के टाइम पे हम हमारे माँ बाप के लिए क्या कर रहे हैं, है ना, हम क्या कर रहे हैं कि हम उनको दुख पहुँचा रहे हैं हमारे अमलों से, है ना। या तो हयात है तो भी वो दुखी है और मरने के बाद भी। कल मैं एक यूट्यूब पे एक बयान देख रहा था तो उनने बताया था कि है ना सोमवार और बुधवार मुफ्ती ने बताया था कि उनके नामे हमारे नामे अमल हमारे माँ बाप के सामने पेश होते हैं। तो हम देखो दुनिया में भी उनको तकलीफ़ दिए है तो उनको कब्र में भी हम या तो उनके पास जब हमारे नामे अमल पहुँच रहे होंगे तो भी तो तकलीफ़ ही हो रही है ना। तो ऐसे हम ना मने हम कुछ करें यार, हम उनके लिए इसाले सवाब मने, है ना, कि वो अब हयात नहीं है इस दुनिया में तो हम उनके लिए कुछ करें, है ना। अगर हम नहीं कर रहे कुछ तो हमारे लिए ही अफसोस की बात है, है ना। अब हमने अगर हमारे माँ बाप के लिए कुछ नहीं किया इस हयात मुबारक में हमारी मतलब हमारी ज़िंदगी में तो फिर समझ लो कि कहानी ख़त्म है। कहानी कैसी ख़त्म है कि तू इधर उधर की ना बात कर, तू बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है, है ना। तू बता, तू हमारा गाइड था पर तूने क्या किया। अब तुम जो अपने माँ बाप के साथ करोगे तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ वैसा करेगी। तो ये सब समझ लो
हाँ जैसी करनी वैसी बननी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोजख भी है, ना माने तो मर के देख। तो ये सारी बातें हैं जो आप आपके साथ करोगे ना तो दुनिया में ही आपके साथ हो जाएगा। आप वो मरने के बाद आखिरत की ज़िंदगी तो है, वो बात की बात है, बट दुनिया में ही आपको उसका सिला मिलेगा। अगर आपने आपके माँ बाप के साथ अच्छा किया होगा तो आपके औलाद आपके साथ अच्छा करेंगे, और अगर आपने जो आपके माँ बाप के साथ अच्छा नहीं किया, बुरा सलूक किया है, तो आपकी औलादों भी आपके साथ बुरा सलूक करेगी। ये लिख के ले लो, हैंड रिटन। मेरे पास अनीस आरिफ कुरैशी का स्टैम्प है, आ जाओ मेरे शॉप पे, उस पर स्टैम्प मार देता हूँ, ब्लैंक पेपर लाओ, साइन करके दे देता हूँ, जाओ और उस पर लिख लो, या मैं लिख दूँगा, है ना। तुम बोलो अनीस भाई आप ही लिख के दे दो ऐसा, तो मैं लिख दूँगा, है ना। तो ये सारी बातें है मार्केट में कि अगर आप जैसी करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। तो ये सारी बातें अभी ख़त्म करता हूँ, तो आने वाला है हमारा स्टॉप, एक थोड़ा काम भी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और शेयर करना भी ना भूलिए। देखो मैं बातें इतनी सारी करता हूँ तो लोगों तक अच्छी बातें पहुँचाना ये भी सवाब है, ये भी नेकी है, और ये भी क्या बोलते पुण्य है, है ना। तो अच्छी बातों को दूसरों तक पहुंचाना ये बहुत बड़ी बात है, और बुरी बातों से किसी को रोक लेना ये भी बहुत बड़ी बात है। हदीस शरीफ में आया है जिसका मफहूम है, मैं मफहूम बता रहा हूँ। अगर तुम ताकत रखते हो किसी को अपने हाथ से रोकने की, बुरे काम करने से, तो हाथ से रोक लो, और अगर आप ताकत रखते हो कि ज़बान से रोकने की, तो उसे ज़बान से कह दो और रोक दो। और ये ईमान के दर्जात है, मतलब इसमें ईमान के दर्जात बताए जा रहे हैं। और अगर आप में इतनी भी ताकत नहीं है तो आप उसको अपने दिल में और माइंड में ये समझो कि ये नहीं, ये बुरा हो रहा है। और अगर भी ये सारी चीज़ें भी नहीं हैं तो आपके दिल में मतलब समझ लो ईमान ही नहीं, ऐसा समझ। ये हदीस है, इसका ये मैंने मफहूम बताया, मैं कोई परफेक्ट नरेटर नहीं हूँ हदीसों का, हाँ तो ये मफहूम मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये मफहूम था ये चीज़ों का, तो ये सारी चीज़ें। देखो हमारे यहाँ का अम्मे माता मंदिर भी आ गया, तो ये मंदिर है, बड़ी मंदिर है, लोग यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं सुबह शाम, बहुत ही अच्छी बात है। और बात को यहीं ख़त्म करता हूँ, एक काम पढ़ाता हूँ। देखो हमारे वापी में कैसा मंदिर मस्जिद एक आस पास में है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ये एकता की बात है कि मंदिर और मस्जिद आजू बाजू में होना, है ना, एक दूसरों के लिए मोहब्बतें हों, है ना। देशवासियों में एक दूसरे की मोहब्बत बहुत ही ज़रूरी है ना। ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, ऐसा जो हमें सिखाया गया संविधान में है, तो ये सारी चीज़ें दिल में होनी चाहिए, ठीक है। और वो देखो मस्जिद का गुंबद जो आपको दिख रहा होगा, वो बिल्डिंग के पीछे गुंबद नहीं, मीनारा है, तो ये आजू बाजू में ही है। तो यहीं मैं ब्लॉग ख़त्म करता हूँ, मेरे को काम है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।